बात करते हैं उत्तराखंड में सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती प्राथमिक लेवल में, इसमें आप रिक्त पदों की संख्या और साथ में आवेदन कितने लोगों ने कर रखा है वो जिलेवार आपको बताने वाले हैं। और देहरादून में एक पद पर 19 दावेदार है, चंपावत में एक पद पर 12 अभ्यर्थी बताए गए हैं, और इसमें 13 जनपदों में भर्ती निकाली गई है बेसिक स्तर पर, जिनमें यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धा दर देहरादून और चंपावत में बताया गया है, जहाँ देहरादून में यहाँ पर एक पद मतलब रिक्त पद 41 है और 818 आवेदन आए हुए हैं। वहीं चंपावत में 75 पदों के लिए 960 आवेदन आए हुए हैं। अगर रेशियो लगाया जाए तो यहाँ पर जो है ज्यादा आपका जो है फॉर्म की संख्या यहाँ पर देहरादून में बताया गया है। देखिए पदों की संख्या और यहाँ पर आवेदन कितने हो रखे हैं वो आपको डिटेल में मिल जाएगा। पौड़ी में देख सकते 304 पद हैं, 2150 आपके आवेदन आए हुए हैं। चमोली में देख सकते 446 हैं, 2198 आवेदन आए हुए हैं। रुद्रप्रयाग में देख सकते हैं 182 पद हैं, 1736 आए आवेदन। टिहरी में देख सकते हैं 3015 और इसमें यहाँ पर 2073 आए हैं। सरकारी नौकरी पक्की हो जाएगी इस बार आपके यहाँ पर शायद प्राथमिक लेवल में, क्योंकि फॉर्म देखे ना, क्योंकि हर जनपद में लोगों ने 13-13 फॉर्म भर रखे हैं, मतलब अलग अलग 13 जनपद में भर रखे फॉर्म। ऐसे में पदों की संख्या है 2917 और फॉर्म की संख्या आ रही है 2000 के करीबन, यानी कि इसमें कई लोग अभी अयोग्य भी होंगे, वो बाहर भी हो जाएंगे, कई पोस्ट बच भी सकती है ऐसा मुझे लगता है। और उत्तरकाशी में देखते हैं यहाँ पर, टिहरी में देख सकते हैं यहाँ पर 2000 के करीबन है, और उत्तरकाशी में 226 में से यहाँ पर जो है फॉर्म आए हुए हैं आपके 1701। वहीं देहरादून में 41 आवेदन है, मतलब पदों में से 818 आवेदन आए हुए हैं। हरिद्वार में 184 में से पदों में से आपका 2312 आवेदन आए हुए हैं। नैनीताल में देखते हैं 190 में से 2310 आपके आवेदन आए हुए हैं। अल्मोड़ा में 142 पदों में से 1879 आपके आवेदन। बागेश्वर में 190 में से 1752 आवेदन आए हैं। चंपावत में 75 आवेदन फॉर्म में कुल पद थे, 960 आपके आवेदन आए हुए हैं। पिथौरागढ़ में देख सकते 326 पदों में से 1895 आवेदन आए हैं। यूएस नगर में 309 में से पदों में से आपके 2451 आपके फॉर्म आए हुए हैं। कुल मिलाकर हाइस्ट अगर बात करें 2300 के करीबन ही हो रखे हैं, तो अगर अगर 2300 ही अगर मान लो हर एक जनपद में सब लोगों ने डाला होगा, तो फिर भी वैकेंसी ज़्यादा है और अभ्यर्थियों की संख्या कम मानी जाएगी, क्योंकि ये मान के चल रहे हैं, क्योंकि 13 जनपदों में हर अभ्यर्थी ने फॉर्म तो फिल करे होंगे, 13 में नहीं भी करे होंगे तो 7-8 में तब भी करे करे होंगे, तो इस हिसाब से काफ़ी पद रिक्त बच जाएंगे। टोटल इन सबको जोड़ने के बाद 24,225 अभ्यर्थी कुल यहाँ पर आवेदन किए हुए हैं टोटल है, ठीक है। काउंसलिंग होनी है एक ही दिन। अब 24,000 तो पूरे उत्तराखंड में होंगे नहीं, क्योंकि हर एक जनपद में 2-2-3 हज़ार मिल रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि उनका सिलेक्शन एक ही जगह पर हो ही जाना है। और इस हिसाब से जो है औसतन एक पद के लिए 8 दावेदार बताया गया था, यानी कि एक पद के लिए 8 ही दावेदार अगर देखा जाए, 24,000 में से एक पद पर 8 है, ठीक है अगर देखा जाए, लेकिन फिर भी कभी कम होगा क्योंकि कई लोगों ने डबल ट्रिपल फॉर्म भरे होंगे, मतलब डबल क्या, कई लोगों ने 7-8 तो भरे होंगे मेरे को लग रहा है, कई लोगों ने 13 जनपदों में फॉर्म फिल करे होंगे, एक से ज़्यादा फॉर्म फिल कर सकते थे, ठीक है। और प्रतिस्पर्धा में दोनों जनपद में बताए गए हैं ज़्यादा, तो इसका काउंसलिंग अभी इसी महीने से शायद आ जाएंगे, 14 के लिए इसी महीने से उसका काउंसलिंग प्रक्रिया रिजल्ट जो है आपका प्रक्रिया शुरू हो जाएगा, और सबका मेरे ख्याल से चयन हो ही जाएगा जो भी योग्य होंगे। और कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो अयोग्य होंगे, उनको प्रत्यर्थन के लिए बोला जाएगा, अगर उनकी योग्यता सिद्ध नहीं हुई तो वो बाहर भी हो सकते हैं।